नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी लखनऊ में ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते लखनऊ लगभग सभी थानों की पुलिस मुस्तैद भी रही। लखनऊ से वाइस न्यूज 18 के लिए संवाददाता सागर मिश्रा की पूरी रिपोर्ट, जिससे कोई अराजक तत्व उपद्रव न करने पाए। लेकिन राजधानी लखनऊ के थाना गुडम्बा के अंतर्गत टेढ़ी पुलिया चौराहा शाम होते ही अराजक तत्वों के द्वारा गुम्मा लेते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहा से होते हुए गुडम्बा थाने की तरफ जाते हुए नजर आए। यही नहीं, बनियान पहनी है व्यक्ति को जब ट्रैफिक पुलिस ने यह कहा कि यह सब क्यों कर रहे हो, तो पुलिस को गंदी गंदी गालियां भी देने लगा और वहां पर रास्ते में निकलते पब्लिक को भी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। इसके बावजूद थाना गुडम्बा इंस्पेक्टर साहब को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। तो वहां के लोगों ने बताया पुलिस आई तो जरूर और समझा कर चली गई, लेकिन वह फिर भी हाथ में गुम्मा लेकर सड़क पर घूमता रहा। क्या गुडम्बा थाने की पुलिस कोई अनहोनी होने का इंतजार कर रही है? यह एक बड़ा सवाल है। यह वही जगह है जहां पर एक कार के ऊपर गोलियों से प्रहार किया गया था, जबकि आज ईद का त्योहार है, धूमधाम से मनाया गया और मनाया जा रहा है। अराजक तत्व सड़क पर घूम रहे हैं। इस तरह